नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में और आज आपको ले चलूंगा फिर से जंगल। देखिए मैं कितने ऐसी कैसी जगह पे हूँ जहाँ से आप कितनी जगह पे रोज घूमने जाइए फिर भी आप बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। आज मैं चल रहा हूँ फील्ड में, क्योंकि फील्ड भी है, दवा भी देनी है और एक मेरे दोस्त हैं उनको जो है एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर मेरे पास पड़ा था वो भी देना है। तो फिर एक नए जंगल का नया रूट दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। देखिए दोपहर का समय है और मैं निकल पड़ा हूँ और ये देखिए कितना जो है कैसा जंगल दिख रहा है। शाम को तो बिल्कुल अजीब सा दिखता है, ये देखिए दिन में कैसा दिख रहा है। अब इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ेंगे। आज हम चलेंगे इस रूट पे, इस रूट से हम लोग चल रहे हैं पूरनपुर और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के सुरई रेंज होते हुए जाएगा। ये जो पानी आया था उससे देखिए ये रोड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस रोड पे आ रहा हूँ मैं और आगे दिखाता हूँ आपको, चलते हैं। अरे चांसेस रहते हैं कोई ना कोई जानवर जब भी हम लोग जाते हैं इस रूट से दिख ही जाता है भाई। ये देखिए दिन के समय ही ये जंगल कितना घनघोर है और कितना डरावना लग रहा है। हम दिन में हैं, दिन के 3 बजे हैं और चारों तरफ ये देखिए, मैं आपको शीशा खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हम टाइगर रिजर्व में हैं और कितना घनघोर है, दूर दूर तक कोई आ जा नहीं रहा है। बहुत कम रोड चलता है यहाँ, लोगों को ये कहा जाता है कि आप पैदल यात्रा न करें। ये देखिए बहुत घनघोर है। देखिए जब जंगल से आप गुजरेंगे तो जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सावधान मैं सड़क पार कर रहा हूँ, यानी भालू बहुल्य क्षेत्र है ये। यहाँ मैंने कई बार भालुओं को देखा भी है। 30 के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला सकते, 30 की लिमिट है। तो लगभग 1 घंटा लग जाता है हम लोगों को इसे पार करने में। 1 घंटे तक हम जंगल में ही गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें कभी कभी शेर, कभी हिरन और कभी भालू दिखना आम बात है। देखिए अब सुरई रेंज से उत्तराखंड से आगे निकल करके हम आ गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। यही रास्ता आता जाता है और यहाँ शेर मैं कई बार देख चुका हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं चुका बीच जंगल सफारी करने आता, आपने भी सुना होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पीछे आप हमारे देख सकते हैं चुका इको टूरिज्म स्पॉट चुका पे हम हैं और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं जंगल सफारी करने और जंगल सफारी में उन्हें शेर, भालू अमूमन ये दिख ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हैं। और इनको जानवरों के लिए पीने के लिए देखिए पानी का इंतजाम मैं दिखाता हूँ। जंगल से निकल रही है ये नदी और इस नदी में काफ़ी मात्रा में वो हैं, मगरमच्छ हैं। तो जगह जगह सूचना लगाई गई है कि इस नदी के पास न जाएं, क्योंकि मगरमच्छ कई, इस समय तो घटनाएं हो रही हैं कि मगरमच्छ खींच करके लोगों को लेके चले जा रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ जंगल ही जंगल, कितना सुंदर दृश्य है भाई। ये देखिए पुल आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने का, आज़ादी से पहले का बना हुआ ये पुल है और ये सुरक्षित है, बहुत बढ़िया आवागमन इस पर हो रहा है। और दूसरी तरफ ये आजकल के पुल बन रहे हैं भैया, अभी उद्घाटन हुआ रहे हैं कि बहस आ रहे हैं। ये देखिए कभी आपका आना हुआ तो ये देखिए चुका इको पर्यटन बुकिंग काउंटर यहाँ से 200 मीटर यानी ठीक सामने है। यहाँ योगी जी भी आकर के पौधारोपण किए थे और ये देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसी से होकर के हम आ रहे हैं। और ये देखिए गेट बना हुआ है, इसी तरह जब आप जाएंगे ना तो इसी तरह आपको ले जाते हैं टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए। और ये रहा, इस समय सफारी तो बंद है, बारिश का समय है, जंगल में जाने लायक है नहीं। सफारी शुरू होती है 1 जनवरी से, तो यदि सफारी करने की इच्छा हो तो यहाँ जरूर आइएगा। ये देखिए मैं आ गया पूरनपुर और ये हमारे मित्र हैं भरत भाई, बंगाली हैं। और एक चीज़ मैं स्पेशली आपको बताऊं कि खाने में कभी किसी की कॉपी करनी होगी ना तो किसी बंगाली भाई की कॉपी करिएगा। 2 चीज़ें विशेष हैं, इनके बाल काले रहेंगे, दिल के पेशेंट ये बहुत कम होते हैं, ये जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसमें हमें बताया गया था। अब किसान के आया हूँ तो इन लोगों का जो गिफ्ट है ना वो बहुत ही शानदार है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है कंटोला, ककोड़ा,
ठेक्सा बहुत लोग इसे कहते हैं, और अभी मार्केट में ये 200 रुपए किलो के आसपास मिलेगा फुटकर में, थोक में 100 रुपए किलो है। और जब मैं इनके खेत पे आया हूँ तो इनके तरफ से ये गिफ्ट मिला है मुझे, और अभी भी तुड़ाई हो रही है। मैं दिखाता हूँ इसकी खेती, ये देखिए, ये है कंटोला की खेती। और यदि बस रहने दो, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तोड़ रहे हैं। इनके खेत पे आया हूँ तो इनके तरफ से गिफ्ट है। बस करो भैया, बहुत ज़्यादा नहीं, दो, चार ही लोग हैं यार, बस ज़्यादा हो जाएगा, रहने दो भैया, क्या करेंगे। और इसकी मैं बताऊँ आपको, कभी भी यदि कंटोला मिल जाए ना तो इसको खाना ज़रूर, देसी कंटोला छोटा वाला, क्योंकि ये आपके पेट के लिए, हृदय के लिए, आँखों के लिए बहुत बढ़िया विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो इसे ज़रूर खाइएगा। मुझे तो गिफ्ट में मिला है, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इन्होंने इतना तोड़ दिया, बहुत हो गया भैया, इतना इन्होंने तोड़ दिया, तो इसे ज़रूर खाइएगा। मार्केट में ये मिलता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग बहुत पहले से खाते हैं। मैं देखिए अब किसानों से मिल करके वापसी कर रहा हूँ, अभी भी किसानों से मिलना है, तो कुछ किसानों से मिल चुका। और ये देखिए, मुझे लगभग इसका वेट 1 किलो से ज़्यादा है। बहुत ही कृतज्ञता फील करता हूँ, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ उन किसानों का। किसानों को राजा क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है आपने? कितना भी महंगा चीज़ हो, यदि आप चले जाइए और यदि उनके खेत पे हैं तो वो तुरंत आपको देते हैं। ये मार्केट में इस समय देखेंगे तो मिलेगा नहीं। एक बार खाने का प्रयास करिएगा, भुजिया इसकी बहुत बढ़िया होती है। और हेल्थ के लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS MS है ना, वो अपने आप जाएंगे तो एडवाइस करेंगे कि आप खेक्सा खाइएगा या कंटोला खाइए, इतना पौष्टिक और इतना हेल्दी है मेरे भाई, तो इसे ज़रूर खाइए आप। और ये मुझे मिला जब किसान, तीनों किसान आपने देखा ही तोड़ करके देने लगे ना, मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊँ उस पल को, बहुत अच्छा लगा। हम आ गए अपने मित्र हरजीत जी के यहाँ, और हरजीत जी ऑर्गेनिक फार्मर हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये देखिए इन्होंने लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, एक तरह का फल है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। एक मैंने तोड़ लिया और इसे खाऊंगा। नाशपाती, यस, टेस्ट जाते ही पता चल गया ये नाशपाती, इसका फल देखिएगा, ये देखिए कितना ज़्यादा फला है। ये टोटली ऑर्गेनिक, किसी भी चीज़ की, किसी भी दवा का स्प्रे इन्होंने नहीं किया है, मस्त है भाई। और इसको तोड़ के खाने का आनंद ही अलग है। ये देखिए, ये है हरजीत जी का मक्का, इतना बड़ा इन्होंने रखा है। कभी भी किसी सरदार फैमिली के पास जाएंगे तो उनके मकान बहुत बड़े दिखेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर, हल जोतने के सारे संसाधन, वो सब कुछ रखे पड़ेंगे अपने यहाँ। अरजीत जी के यहाँ है तो ये है पाकिस्तानी बुली, बहुत ही खतरनाक वैरायटी है ये, रेम्बो नाम है इसका। और इनके आता हूँ तो बस इसी से डर है, बाकी सब तो ठीक है। रात को 9:45 हुए हैं और मैं खड़ा हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पे। अब यहाँ से मैं जंगल में प्रवेश करूँगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये गेट है, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और यहाँ से अब मैं लेकर के गाड़ी इंटर करूँगा और 1 घंटे तक जंगलों में रहूँगा, फिर आपको यदि कुछ दिखेगा तो दिखाऊँगा जरूर। देखिए घने जंगलों के बीच खतरनाक रास्ते, दोनों तरफ जंगल, और इसमें ड्राइविंग कर रहा हूँ, अकेला हूँ बिल्कुल, गाड़ी में भी कोई नहीं है, और लगभग 50 किलोमीटर का ये है। और ये अगल बगल पेड़ों पे जो सरकार ने लगवाए हैं वही चमक रहा है, और देख कितना अजीब लग रहा है बिल्कुल, मतलब 2-3 लोग रहते हैं तो ठीक रहता है जंगल में यात्रा करना।